नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका तकनीकी वर्ल्ड के एक और मजेदार वीडियो में। तो आज हम यहां पे करने वाले स्पीड टेस्ट कंपैरिजन बिटवीन सैमसंग गैलेक्सी F22 एंड सैमसंग गैलेक्सी M32। अब यहां पे इन दोनों के बीच में स्पीड टेस्ट करने का एक सिंपल सा रीजन ये है कि जो दोनों ही फोन है उसमें आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, तो मीडियाटेक का हीलियो G80 देखने को मिल जाता है। तो स्पीड टेस्ट को यहाँ पे हम 3 राउंड में करेंगे। पहले राउंड में चेक करेंगे ऐप ओपनिंग स्पीड, उसके बाद उन्हीं सारे ऐप्स को रिवर्स ऑर्डर में ओपन करेंगे, रैम मैनेजमेंट देखेंगे कहाँ पे बेहतर है, एंड तीसरे राउंड में चेक करेंगे इंटरनेट स्पीड। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टेस्ट में आगे बढ़ने से पहले दोनों ही फोन को एक बार हम रिबूट कर देते हैं एंड देख लेते हैं यहाँ पे रिबूट स्पीड कौन से फोन में बेहतर है या फिर दोनों ही फोन में सिमिलर है। तो रिबूट स्पीड के बारे में बात करी जाए तो दोनों में ही सेम ही देखने को मिली है एंड दोनों ही एक साथ ही रिबूट हुए थे। तो टेस्ट में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। जैसे कि दोनों ही फोन को मैंने सेम वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है, ब्राइटनेस को सिमिलर सेट करके रखा है एंड मेमोरी में यहाँ पे दोनों में से किसी भी फोन में कोई भी ऐप नहीं है। स्क्रीन रिफ्रेश रेट को दोनों ही फोन में मैंने 60Hz पे सेट करके रखा है एंड दोनों ही फोन यहाँ पे मेरे पास 4GB रैम वेरियंट है। तो चलिए अभी हम टेस्ट को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले सेटिंग ओपन कर लेते हैं। तो सेटिंग यहाँ पे F22 ने जल्दी ओपन कर दिया है। उसके बाद गूगल प्ले स्टोर ओपन करते हैं। तो यहाँ पे स्लाइटली जल्दी ओपन किया है M32 ने, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं था, मिली सेकंड का ही डिफरेंस था। उसके बाद YouTube ओपन करते हैं। तो ओके, यहाँ पे अगेन दोनों ने ही सेम टाइम पे ओपन एंड लोड किया है। गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगेन F22 ने जल्दी ओपन किया है। उसके बाद गूगल मैप्स ओपन करते हैं, अगेन F22। चलिए अभी कुछ गेम्स ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्री फायर ओपन करते हैं एंड लेट्स सी यहाँ पे कौन सा फ़ोन जल्दी ओपन कर पाता है। वैसे होना तो नहीं चाहिए जल्दी, क्योंकि यहाँ पे दोनों में जो प्रोसेसर वो सेम है, कंपनी सेम है, UI सेम है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगेन F22 ने जल्दी ओपन किया है एंड उसके बाद M32 ने ओपन किया था। तो सबवे सर्फ ओपन करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कौन सा फ़ोन जल्दी ओपन कर पाता है। अगेन F22 ने जल्दी ओपन किया है। डेड ट्रिगर 2 ओपन करते हैं। तो सेम टाइम पे ओपन किया है दोनों ही फोन ने, यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। टेम्पल रन 2 ओपन करते हैं। तो यहाँ पे F22 ने जल्दी ओपन किया, उसके बाद M32 ने ओपन किया है। सोनिक बूम 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनिमेशन है वो भी पहले आ रहा है एंड ओपन भी जल्दी हो रहा है। तो ये मुझे डेफिनेटली थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग रहा है। उसके बाद बैटल ग्राउंड्स ओपन कर लेते हैं या फिर PUBG ओपन कर लेते हैं। लेट्स सी यहाँ पे कौन सा फ़ोन जल्दी ओपन कर पाते हैं, ज़्यादातर लोग यही देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं कि जो F22 है उसने जल्दी ओपन किया, उसके बाद यहाँ पे ओपन हुआ है। तो वैसे यहाँ पे डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए, बट डिफरेंस आ रहा है। चलिए अभी कुछ बेसिक से टास्क ओपन कर लेते हैं, लेट्स सी वहाँ पे कुछ डिफरेंस है या फिर नहीं है। तो गैलरी ओपन करते हैं, यहाँ पे अगेन F22, सेटिंग्स, कैलकुलेटर एंड कैमरा। तो यहाँ पे स्लाइटली जल्दी ओपन किया M32 ने फ़ोन। तो यहाँ पे F22 ने जल्दी ओपन किया है। तो दोस्तों पहले राउंड के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पे ज़्यादातर टास्क को F22 ने जल्दी ओपन कर दिया था। तो ये मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग ज़रूर लगा है, क्योंकि जो दोनों ही फ़ोन है उसमें UI सेम देखने को मिल जाता है। दोनों में ही मैंने सेम सेट ऑफ एप्स को लोड करके रखा हुआ है, बट उसके बाद भी यहाँ पे F22 ने स्लाइटली बेटर परफॉर्म किया है। चलिए रिवर्स ऑर्डर में एप्स को ओपन करते हैं, लेट्स सी रैम मैनेजमेंट कहाँ पर बेहतर है।
रैम मैनेजमेंट के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पे दोनों का ही परफॉर्मेंस इक्वल बोल सकते हैं। यहाँ पे जो F22 उसने एक या दो टास्क को ही ज़्यादा मेमोरी में रखा था, बाकी ज़्यादा डिफरेंस देखने में नहीं आया है। तो रैम मैनेजमेंट के मामले में दोनों ही फ़ोन सिमिलर है। चलिए इसे कर देते हैं क्लोज एंड लास्ट में अभी दोनों ही फ़ोन के बीच में कर लेते हैं इंटरनेट स्पीड टेस्ट। लेट्स सी वहाँ पे दोनों फ़ोन सिमिलर है या फिर वहाँ पे कुछ डिफरेंस देखने में आता है। तो इंटरनेट स्पीड के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पे जो M32 है वो हमें बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड दोनों ही स्लाइटली बेटर देखने को मिली है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर रिजल्ट्स के बारे में बात करी जाए तो पहले राउंड में F22 ने स्लाइटली बेटर परफॉर्म किया था। रैम मैनेजमेंट में दोनों ही फोन का परफॉर्मेंस मुझे सिमिलर लगा था। लास्ट में जो इंटरनेट स्पीड है वो हमें M32 में स्लाइटली बेटर देखने को मिली थी। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही फोन एकदम ही सिमिलर है एंड यहाँ पे जो डिफरेंस था वो भी बहुत ही छोटा था एंड ये हमने साइड बाय साइड टेस्ट किया इसलिए आपको पता चल रहा है। तो इन शॉर्ट अगर आप परफॉर्मेंस को लेकर कंफ्यूज थे इन दोनों ही फोन के बीच में तो वहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए क्योंकि परफॉर्मेंस यहाँ पे दोनों में ही आपको सिमिलर देखने को मिल जाता है। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।